hello everyone i'm kajal nagarai and in our today's video we are going to learn 2.2 the worm as like my previous video i'll explain this poem in hindi and also i'll give you the meanings of the hard words okay and if you are new to this uh, channel please do like share and subscribe my youtube channel so let's start in today's video we are going to learn the poem this poem is written by thomas gisborne see uh, the uh, name of poet is given here that is thomas gisborne okay so let's start our title is the worm okay you can see the picture of worm is given here in this poem what we have to learn we have to learn the importance of the worms and as well as uh, small creatures in this poem the poet appeals us to uh, respect the life of uh, worms and all the tiny creatures on the earth as they are also the um, creature created by the god because each and every creature is very important in ecological balance okay so in this poem we have to learn the importance of the worms let's start

टर्न टर्न दाई हैस्टी फूड असाइट यानी कि जब तुम जल्दी जल्दी में जल्दबाजी में चल रहे होते हो तो हमें जो हमारे पैर है वो बाजू में डालना है नॉट क्रश दैट हेल्पलेस वर्म और ये जो वर्म्स होती है हमें उनको क्रश नहीं करना है क्रश मीज वी कैन से स्क्वैश और वी कैन से मैश क्योंकि हम जब जल्दी जल्दी में चलते हैं तो बिना नीचे देखे चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे काफ़ी सारे जो स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं वो कुचले जाते हैं और हम हमको हम उनको मार देते हैं तो यहाँ पे जो पोएट है वो अपील कर रहे हैं कि जब तुम जल्दी जल्दी में चलते हो तो तुम्हें तुम्हारे जो पैर है वो जल्दबाजी में बाजू में डालना है वर्म्स के ऊपर नहीं डालना है हमें उनको क्रश नहीं करना है the frame the uh, the frame that is scornful legs dried required a god to form uh, देखो यहां पे दिया है dye word is given here again that means your scornful means the meaning of scornful is filled with hate and dried means express hatred see यहाँ पे दिया है कि जिन स्मॉल क्रिएचर्स को तुम विद हेट देख रहे हो यानी कि द्वेष के साथ जो uh, जो जिन क्रिएचर्स के लिए तुम्हारे मन में द्वेष भरा हुआ है रिक्वायर्ड अ गॉड टू फॉर्म सी यहाँ पर एपस्ट्रॉपी दिया है आर ई क्यू यू आई आर ई डी चाहिए था बट एज दिस वर्ड इज ऑफ ओल्ड इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश में यहाँ पर एपस्ट्रॉपी लिखा जाता है तो जहाँ पे भी एप्पस्ट्रॉपी है तो वहाँ पे हमको ई e कंसिडर करना है ओके okay? रिक्वाइर्ड अ गॉट टू फॉर्म तो है दा फ्रेम दाइसफुल लुक्स डिराइड जिन वर्म्स की तरफ तुम विथ हेट देख रहे हो जिन वर्म्स के लिए तुम्हारे अंदर हेट भरा हुआ है उनको भी रिक्वायर्ड गॉड टू फार्मी कि उनको भी गॉड ने ही बनाया है नेक्स्ट एंसर द कॉमन लॉर्ड ऑफ ऑल दैट मूव फ्रॉम वू दाई बींग फ्लोर द कॉमन लॉर्ड ऑफ ऑल दैट मूव यानी कि जो कुछ भी क्रिएचर्स चलते हैं उन सभी को लॉर्ड लॉर्ड मीन्स गॉड गॉड ने ही बनाया है फ्रॉम होम दाई बींग फ्लोर फ्रॉम होम दाई बींग फ्लोर सी यहाँ पे हमें एफ एल ओ डब्ल्यू ई डी लिखना है दाई बींग मीन्स योअर लाइफ एग्जिस्टेंस फ्रॉम होम दाई बींग फ्लोर यानी कि हमें जिसने बनाया है वो यानी कि यहाँ पे दिया है कि जो क्रिएचर्स चलते हैं वो और हम लोग और हमें भी जिसने बनाया उन सभी को किसने बनाया सिर्फ गॉड ने ही बनाया है अब पोर्शन ऑफ इज बाउंडलेस लव ऑन दैट पुअर वम बिस्टो द मीनिंग ऑफ बिस्टो इज गिवन है गिफ्ट अ पोर्शन ऑफ हिज बाउंडलेस लव हिज मीन्स ये जो हिज वर्ड है ये गॉड के लिए यहाँ पे यूज हुआ है बाउंडलेस लव किसका है गॉड का गॉड ने अपने लव का बाउंडलेस लव का थोड़ा सा पोर्शन जो वो किसको दिया है ऑन दैट पुअर वर्म बिस्टोर्ड यानी कि जो पुअर वर्म है जिनको हम कुचल देते हैं जिनके लिए हमारे मन में हेट भरा हुआ है तो उन वर्म्स को भी हमारे ही गॉड ने जो उनका बाउंडलेस लव है गॉड का तो उसका थोड़ा सा पोर्शन इन वर्म्स को भी गॉड ने दिया है सी आई एम रिपीटिंग दिस टू स्टांजेज अगेन टर्न टर्न दाई हैस्टी फूड असाइड नॉर नॉर्क्रज दैट हेल्पलेस वर्म यानी कि हम जब जल्दबाजी में चलते तो हमें हमारे पैर बाजू में डालना है वर्म्स पे नहीं डालना है हमें उनको कुचलना नहीं है द फ्रेम द इज कॉन फोर लुक्स डि रिक्वायर्ड अ गॉड टू फॉर्म और जिम वर्म्स के लिए हमारे मन में द्वेश भरा हुआ है तो उनको भी गॉड ने ही बनाया है द कॉमन लॉर्ड ऑल ऑफ दैट मूव फ्रॉम होम being flowed। हम लोगों को जिसने बनाया है जो हमारा एग्जिस्टेंस है जिनकी वजह से और जिनकी जि, सॉरी जिनकी वजह से हम लोगों का एग्जिस्टेंस है उनको उन आ, उसी गॉड ने जो भी क्रिएचर्स मूव करते हैं उनको भी बनाया यानी कि हम लोगों को जिस गॉड ने बनाया है तो जो दूसरे मूव करने वाले क्रिएचर्स हैं उनको भी गॉड ने ही बनाया है अ पोर्शन ऑफ हिज बाउंडलेस लव ऑन दैट पोवम बिस्टो और जो गॉड है उन्होंने अपने बाउंडलेस लव का यानी कि असीमित लव का असीमित प्यार का पोर्शन यानी कि उन्होंने अपना असीमित लव जो है इन क्रिएचर्स को भी दिया है सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है गॉड का लो तो सभी के लिए है द सन नेक्स्ट एंसर द सन द मून द स्टार्स ही मेड टू ऑल हीज क्रिएटर्स फ्री सी दन द मून द स्टार्स ही मेड ही यानी कि हैप्पी फिर से गॉड है गॉड ने जो द सन बनाया है मून बनाया स्टार्स बनाया है टू ऑल हीज क्रिएटर्स फ्री तो ये जो सब उसने गॉड ने बनाया सबके लिए ही बनाया है मुक्त बनाया है यानी कि सभी क्रिएटर्स के लिए बनाया है सिर्फ ये ह्यूमन्स के लिए ही नहीं बनाया एंड स्प्रेड्स ओवर अर्थ

ये भी है यहाँ पे पिक्चर दिया है देखो फिर से नेक्स्ट आ जा लेट देम एंजॉय देर लिटिल डे देर लवली ब्लिस रिसीव्ड लवली ब्लिस हम्बल सिंपल देखिए एंड ब्लिस मीस जॉय और प्लेजर वी कैन से सिंपल जॉय लेट देम एंजॉय देर लिटिल डे देयर लवली ब्लिस यानी कि गॉड ने जो उनको उनका छोटा सा डे दिया है उन छोटे से डे में उनको सिंपली उनका जो हम्बली जो उनका प्लेजर है जॉय है, है या जो खुशी है वो उनको उनका डे खुशी से जीने दो और डू नॉट लाइटली टेक अवे द लाइव दाऊ कांस नॉट ग्यू और डो नॉट लाइटली टेक अवे द लाइव दाऊ कांस नॉट ग्यू कांस मीस होता है कैन नॉट जो लाइफ तुम उनको नहीं दे सकते वो तुम उनसे मत छिनो तुम उनकी लाइफ इजिली मत लो यू कैन से डिरेक्टली देखिये ये जो दोस्त आता है ये मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ द मून द सन सॉरी द सन द मून द स्टार्स ही मेड टू ऑल हिज क्रिएचर्स फ्री जो सन मून स्टार्स गॉड ने बनाया है वो सभी के लिए मुक्त बनाया है सभी के लिए फ्री में बनाया है सभी क्रिएचर्स के लिए बनाया है एंड स्प्रेड ओवर दाई ग्रेसिव ब्लेड फॉर वर्म्स एज वेल एज दी और जो घास यहाँ पे जमीन पे उगती है अर्थ पे वो सभी के लिए है वर्म्स के लिए एंड एज वेल एज यू सभी के लिए है लेट देम एंजॉय द लिटिल डे द लवली ब्लीस रिसूड गॉड ने उनको जो एक छोटा सा गिफ्ट दिया है उनका जो एक छोटा सा लाइफ होता है डे का तो वो उनको लिटिल डे एन्जॉय फुल एन्जॉय करके जीने दो उनको क्रश मत करो और डो नॉट लाइटली टेक अवे द दा लाइफ दाउ कांस नॉट गिव और जो लाइफ तुम उनको नहीं दे सकते हो यानी कि गॉड ने लाइफ दी है हम लोगों ने नहीं दी उनको तो ये जो लाइफ हम उनको नहीं दे सकते तो ये हमें उनसे छीनना भी नहीं है तो उनकी लाइफ हमें लाइटली नहीं लेना है एंड सी Uh, the meanings of the hard words die you are hasty fast crush means squash scornful means expressing contempt deride means ridicule and de means you so see the simple or general message is given here, here in this poem that uh, uh, all living creatures have been created by god with a purpose there is not any single creature which is here born on the earth without any purpose